गुड टू सी यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अरनाज जी, आपने हमारे देश का नाम और लाइक रोशन किया। तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विथ मिस यूनिवर्स तक का, और ये जो आपने क्राउन जीता है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस मिस यूनिवर्स तक का सफर? पहली बात तो थैंक यू सो मच, आपने बोला कि बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल 21 सालों के बाद इंडिया को ये क्राउन मिला है। पर ये सिर्फ मेरी नहीं, सबकी मेहनत थी और इसकी वजह से हमें ये क्राउन मिला है। कब से हम वेट कर रहे थे इस चीज़ के लिए। काफ़ी खुशनसीब महसूस करती हूँ मैं अभी, पर मैं कहकर गई थी जाने से पहले, पर मैं ओके आई थिंक आई शुड से काफ़ी खुशनसीब महसूस करती हूँ मैं, पर मैं कहकर गई थी कि मैं हर नाज हूँ और देश का नाज हूँ और मैं क्राउन ज़रूर लेकर आऊँगी, और मैंने आई थिंक वो किया राइट, एंड आई एम हैप्पी। आई जस्ट कांट वेट कि मैं ये सब कुछ सेलिब्रेट करूँ इंडिया के साथ, एंड जो इश्यूज़ हैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, आई एम डिटरमिन्ड टू उसके बारे में और अच्छे से बात करूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस आई थिंक हमारे देश के सारे यूथ के अंदर होना चाहिए कि मैं यहाँ जाऊँगी और ये जीत कर लाऊँगी, यू नो हरनाज जी, क्योंकि जितना मेरा नॉलेज है दुनिया में, पूरे ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे मॉडल हैं, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये जो क्राउन किसी कुछ एक चुनिंदा लोगों के पास आता है, तो जिनमें से आप एक हैं, तो देन वो क्राउन आपको पहनाया गया, वो मैं वीडियो भी देख रहा था, व्हाट्स योर फीलिंग? ओह माय गॉड, आई थिंक वो फीलिंग बहुत अनएक्सप्लेनेबल होगी मेरे लिए, क्योंकि जब उन्होंने इंडिया बोला तो मेरे को ऐसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इंडिया बोला, एंड मैं एकदम से रोई जैसे आपने वीडियो में देखा, बट आई थिंक जब मैं रोई तो मेरे साथ पूरा भारत भी रोया, और वो फीलिंग बहुत ही यूनिवर्सल थी। एंड मुझे वो जब मैंने क्राउन डाला तो शायद आपने देखा भी होगा कि मैंने उसको पहले उसका माथा टेका, एंड ऐसे कुछ इंटेंशनली कुछ नहीं, बस वो होता है ना, जैसे जब मेरा नेशनल क्राउन भी था जब मेरे को वो पहनाने वाले थे, तो मैंने जब पहना उसके बाद मैंने उसको भी मैंने माथा टेका। सो दैट्स समथिंग, मेरे लिए वो क्राउन का मतलब ये नहीं है कि आप जीत गए हो, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जो कि अभी मैंने देखा है बहुत लोग मुझे से बोल रहे हैं, दैट्स नॉट द रियलिटी। द थिंग इज़ वो क्राउन आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप जब कोई चीज़ लेते हो ना, जब आप कहीं पर भी जाते हो तो यू आर ग्रेटफुल, आप पहले उसका शुक्रिया अदा करते हो। तो मैंने पहले क्राउन का शुक्रिया अदा किया कि आपको लगता है कि मैं वो पहनकर उन सब बातों पे या उस क्राउन को अच्छे से संभाल सकूं, और वो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं अपनी देश के इंडिया से आती हूं और मैंने अपने देश को तो प्राउड करना ही है, पर अब मेरे ऊपर सब पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब उन्होंने वो पहनाया तो मुझे तब से ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हो गई थी, और मैंने बोला अपने आप को कि हाँ, अब तो जो करना चाहती है वो अब तो करेगी, एंड नाउ इट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। जहाँ जो आपने मुकाम हासिल किया, ये रास्ता आप कहीं ना कहीं बॉलीवुड की तरफ भी जाता है, क्योंकि चाहे आपने बात की लारा दत्ता, सुष्मिता से, जितने भी लोगों को ये टैग मिला, आज हम देख रहे हैं बॉलीवुड में उनका बहुत ही अच्छा नाम समझ, और आपने एक्टिंग की भी बात की, तो हम ऐसा माने कि अब हरनाज जी जो है इसके बाद ही एक साल तक का जो भी प्रोसेस है उसके बाद अब आप एक्टिंग में हम आपको देखेंगे ऐसे कुछ? वेल इट्स टू सून टू यू नो डिस्क्राइब दैट हाउ माई फ्यूचर विल लुक, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता है क्या होगा जिंदगी में, बट बीइंग एन एक्टर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, जो भी होगा लेट्स होप फॉर द बेस्ट टू बी ऑनेस्ट, बट एक्टिंग हमेशा मेरा पैशन रहा है, और मैं एक्टिंग के थ्रू लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में सब एक्टिंग से बहुत इंटिमिडेटेड फील करते हैं, बहुत उनको ऐसा लगता है कि काश हम भी उस कैरेक्टर में होते, काश हम भी उस मूवी में होते, तो पता है हमें कैसे सबको इन्फ्लुएंस करना है, और अगर है वो कला तो आप उसको यूज़ करो सही ढंग में, एंड ये प्लेटफॉर्म से अपना अपने दिल की भी सुनो और लोगों को इंस्पायर भी करो, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपका फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान। एंड फीमेल? दीपिका पादुकोण। आई थिंक बेस्ट ओम शांति ओम डुओ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, नॉट ओनली एक्टिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑन स्क्रीन वो कैसे हैं, बट ऑफ स्क्रीन भी वो कैसे हैं, मेरे लिए हमेशा आर्टिस्ट, मैं हमेशा जब आर्टिस्ट को देखती हूँ एज एन ऑडियंस और एज एन एक्टर, तो मैं उनको उस ढंग से देखती हूँ कि ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी वो कैसे हैं, तो उनका दोनों का जो एटीट्यूड है वो काफ़ी डाउन टू अर्थ रहा है, और जिस ढंग से उन्होंने अपने आप को क्रिएट किया है अपना ऑरा,
एंड हर चैलेंज को उन्होंने फेस किया है. आई थिंक वो हम सबको सीखना चाहिए. संजय लीला बंसाली, आई लव हिज वर्क, आई लव द क्वालिटी. जो वो मूवीज़ करते हैं वो मुझे बहुत ही मतलब वो आई लव इट. वो होता है ना एक आर्ट को वो बहुत अच्छे में दिखाते हैं एंड हर चीज़ की डिटेल्स देखते हैं. तो उनको ज़रूर बहुत टाइम लगता है मूवी बनाने का, बट वो वर्थ इट होती है. एंड फेवरेट इन दैट, टू बी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि सबके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं. एंड आई थिंक स्पेशली आई वुड लाइक टू इनकरेज द यूथ कि वो भी पार्ट ले इस चीज़ में, क्योंकि आप अपनी दुनिया का, आप अपनी देश का भविष्य हो, तो आपको पता होना चाहिए आपके देश में क्या हो रहा है. तो आप बनो अपने यूथ आइकॉन, आप अपने आप बनो, आप बनो स्पीकर, क्योंकि हर इंसान बहुत अच्छा स्पीकर है, बस उसको ढूंढना है किसकी एबिलिटीज क्या है. इंस्पायर, आई थिंक जो मेरी फेवरेट मूवी अभी तक की रही वो मैरी कॉम है. द वे उन्होंने, क्योंकि मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती हूँ, सिर्फ बात ही नहीं, आई हैव सीन दैट क्लोजली और मुझे पता है कि मैंने क्या ब्रेक करना है वो स्टेरियोटाइप. तो वो मैरी कॉम मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है. दंगल भी है, बट वो होता है ना कि जैसे हर मूवी अपने आप में अच्छी है, दंगल अपने आप में मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैरी कॉम अपने आप में. तो जब भी जो वो गाना है ना, दिल जिद्दी है, आई थिंक वो हर इंसान में वो उसका दिल है वो ज़िद्दी, बस उसको ढूंढना है कि वो किस चीज़ के लिए ज़िद्दी है. और जब वो ज़िद्द पकड़ लेता है तो वही बात, कुछ नहीं, उसका कोई नहीं कुछ उखाड़ सकता. राइट, आई थिंक नर्वस इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल फीलिंग. कुछ गलत नहीं है अगर आप नर्वस फील करते हो, पर उसको ओवर पावर कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में इंसान वो ही सक्सेसफुल हो जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके. एंड ज़रूर मैं थी नर्वस जैसे हर लड़की थी, पर एट दी एंड मैंने अपनी विजन को देखा और मैंने अपने आप को बार बार स्टेज पे चढ़ने से पहले ये सवाल पूछा कि मैं क्यों आई हूँ, और ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा. तो दैट वन मिनट ऑफ माय लाइफ कैन डिसाइड कि मेरी लाइफ में क्या होगा आगे, और जो होगा अच्छे के लिए होगा. और अपने आप पर यकीन रखो तो ही आपको सब कुछ मिल सकता है. तो मैं जब स्टेज में थी, आई वॉज बींग माई सेल्फ, मैं किसी और की तरह नहीं दिख रही थी. मैं भूल गई थी मेरे आसपास कितनी सुंदर लड़कियां हैं, कितनी टैलेंटेड लड़कियां, कितने लोग बैठे हैं. मैं बस अपने आप पर ध्यान दे रही थी. आई थिंक तभी आप जीत सकते हो अपने आप से. थैंक यू सो मच. थैंक यू.